tell. देख सकते हो कितना जंगल हमारा गांव और मेरा रूम क्या हो रहा है पता ही नहीं इतने दिन में. यह बिस्किट और ये रहा मेरा घर. तो मैं घर में घुसने वाली हूँ. A few minutes later. Hi दोस्तों, नमस्ते. आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बड़े अच्छे हो, स्वस्थ हो. आप लोगों को जानकारी दे के रखा था कि मैं दीदी के यहाँ पे हूँ बोल के. तो सोनितपुर से मैं आज अपने घर आ पहुँची हूँ लगभग 25 दिन के बाद. और मैं अपने रूम में ब्लॉग बना रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है. तो दीदी और बेबी को छोड़ के आई हूँ तो थोड़ा कैसा मतलब धूप भी लग रहा है, क्या बोलूं. दीदी के घर से निकल रही थी तब मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि दीदी और बाबू मुझे घूर घूर के देख रहा था. तो मुझे बुरा लगा कि मैंने मोबाइल नहीं निकाला तो वीडियो नहीं बनाए, वो सीन आप लोगों को नहीं दिखाया मैंने. कुछ दिन दीदी के वहाँ पे ठहरती पर घर से कॉल आया कि माँ का तबीयत थोड़ा ख़राब है और मम्मा को मेडिकल में लेके गए थे तो अल्ट्रासाउंड और कुछ दवा देके भेजा है तो वही दवा खा रही है मम्मा. तो इसलिए मुझे तुरंत अपने घर आना पड़ा. अच्छा नहीं लग रहा था इतना धूप इतना गर्मी. तो ना धोके फ्रेश होके मैं आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ और घर में देखूँ तो मम्मा नहीं है. तो मम्मा नहीं है तो पक्का मम्मा बारी में होगी. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मम्मा से मिलने के लिए. बारी में जाके मम्मा से मिलूँगी. आप लोग बने रहो मेरे ब्लॉग में. आमा क्या करने वाको? दिदीलाई कस्तो छ? दिदीलाई राम्रै छ. बाबुलाई? बाबुलाई पनि राम्रै छ. दिनेजुहरूलाई? सबैलाई. सबै ठिकै छ. तपाईँलाई धेरै सम्झिरहेछ. ऊ पनि आउनु खोज्दै थिए भिनाजुको स्कुलको कारण ऊ आउनु पाइनँ. तिजमा आउँछ अरे. उदालगुडीसम्म लिनु जानुपर्छ अरे. बाटो छ दूर. त्यही त बाटो बालाको नानीसँग आउनु दिक्कत हुन्छ. म त थोरै आत्तिनँ तपाईँ बिमारी हुनुहुन्छ भनेर हत्तर पत्तर ड्रेस लगाएर. अनि अस्ति कहिले जानुभयो अरे हस्पिटल? शुक्रबारको दिन अल्ट्रासाउन्डहरू गरेको. दबाई लेखिदिएको छ? ए 7,000. त्यही त मलाई कति टेन्सन लाग्यो. कल पनि फेरि भाउजूको मोबाइल पनि बिग्रेको थियो अनि कल पनि लाग्दैन थियो, सुनिँदैन पनि थियो. अनि कसकोबाट कल गर्नुभएको थियो? नातिकोबाट. अब यो कच्छु म लिएर जान्छु, आमा उठाउनु सक्नुहुन्न. त्यो दबाई खाएर बिर्सेको नि त. आउनु आमा, माया गर्छु. आउनु. गाउँ चाहिँ कहाँ राखेको? 25 दिनके बाद ल फरेवर के मानिसहरू त और थोड़ा मुझे भी आराम मिला देख के कि माँ का तबीयत थोड़ा सा ठीक ही है. ओके दोस्तों, ऐसे करके वीडियो में जुड़े रहे. तो आज के लिए इतना ही. बाय बाय.